जौनपुर के सुरेरी थाना क्षेत्र के सिकरौड़ गांव में श्रम कार्ड बनवाने के नाम पर ग्रामीणों से 50,000 से भी अधिक धनराशि ले लिए। ग्रामीण हुए आक्रोशित। सुरेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकरौड़ गांव में ग्रामीणों का आरोप है कि भदोही से आए हुए चार व्यक्ति श्रम कार्ड बनवाने के लिए प्रति व्यक्ति से 170 रुपए ले लिए। ग्रामीणों ने बताया कि 300 लोग फार्म भर चुके हैं। जब ग्रामीणों ने आला अधिकारी से जानकारी ली, अधिकारी ने बताया कि मेरे द्वारा कोई भी अधिकारी नहीं भेजा गया है। भदोही से आए हुए व्यक्ति से रिपोर्टर द्वारा जानकारी ली गई तो बताया गया कि विकास श्रीवास्तव विनायक ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं। उनके द्वारा चार जिले का टेंडर मिला हुआ है, जिस आधार पर हम लोग श्रम कार्ड बनवाने का कार्य कर रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर मामला बिगड़ता देख आए हुए व्यक्ति पैसा रिटर्न कर निकल लिए। अक्षय गुप्ता की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? जी, कहाँ घर पड़ेगा आपका? भदोही। कौन सी जगह? गांव का नाम? बबनौटी। अच्छा, बताइए यहाँ पर जो सिकरौर गांव में आज क्या चीज़ का कार्ड बन रहा है? ये लेबर कार्ड। क्या चीज़ का? लेबर कार्ड। इसका क्या चार्ज है? 170 रुपए चार्ज किया है। किसके माध्यम से लागू किया गया है? ये विकास श्रीवास्तव विनायक ठाकुर कंस्ट्रक्शन के टेंडर के मालिक है। कहाँ के टेंडर लिए हो? भदोही का। भदोही का चार जिला का टेंडर है, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर। जी, ये बताइए यहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि आप पैसा फ्री निःशुल्क और पैसा ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, एक लोगों का थोड़ा डाउट था, उनका डाउट क्लियर करने के लिए अधिकारी से बात हो चुका है। वो भी शाम तक पूरा क्लियरिफिकेशन करके भेज देंगे, कल से फिर काम होगा। जी, आपके पास कोई आईडी कार्ड है? दिखाइए। आईडी कार्ड मतलब किस चीज़ का? आप जिस विभाग से काम करने के लिए आए हुए हैं? वो हमको जिनका टेंडर, उनके टेंडर मतलब काम कर रहे हैं ना, टेंडर का कोई कंस्ट्रक्शन का कोई तो कार्ड होगा आपके पास? हमारे पास कौन सा कार्ड है? हमको अथॉरिटी मिली काम करने का। आईडी ग्रुप है आपके पास? आईडी ग्रुप भी है। दिखाइए आप। कैमरा सामने लाइए। जी, आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है। गांव कौन सा है? यह ग्राम सभा सिकरौर है। यहाँ क्या बनाया जा रहा है? यहाँ ये लोग चार लोग आए और ये लोग श्रम कार्ड बना रहे हैं। श्रम कार्ड? हाँ जी। क्या होगा? श्रम कार्ड बनाने से क्या होगा? ये श्रम कार्ड बनाने से कह रहे हैं कि 16 कुछ योजनाएं जो ब्लॉक से हैं वो आपके खाते में सीधे आएंगी, जो योजनाएं उसका लाभ आपको सीधे मिलेगा। हमने पूछा इनसे, हम लोगों को कार्य भी करना पड़ेगा, ये बोले कि कार्य नहीं करना पड़ेगा, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। हाँ, फॉर्म भरने का कोई चार्ज दिया जाए? फॉर्म भरने का 170 रुपये चार्ज। हमने बोला कि पेपर में दिया है निःशुल्क चार्ज है, तो बोले कि कहाँ पेपर है, कहाँ से लाओ, दिखाओ। हमारे पास उस समय पेपर नहीं था, तो हम भी अपना सब लोग करा रहे थे, हम भी करा लिए। हाँ, 170 आए हुए हैं ये लोग, तो भदोही जिला से आए हुए हैं। और इनका विभाग तो कुछ नहीं है, ये लोग एनजीओ से कह रहे हैं कि एनजीओ से अब हम लोग हैं। टेंडर लिए? हाँ, टेंडर लिए। कहीं दूर नहीं है, अभी नजदीक है, पूछ रहे हैं इनके पास, इनके पास आदेश दी। सर, मेरा नाम सुनील कुमार है। क्या मामला है यहाँ पर? सर, मामला ये है कि अभी मैं रास्ते से जा रहा था, यहाँ पे देखे प्राइमरी स्कूल पे एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। हम पता फोन किए कि क्या किस बात के लिए भीड़ लगी है, तो यहाँ पे पता चला कि ये श्रम कार्ड लेबर कार्ड यहाँ बनाने आ रहे हैं, आए हैं तीन चार लोग। हम कहे ये कौन सा कार्ड बन रहा है? फिर बोले कि इनको चलें देख लें। आके बोले सर ये क्या हो रहा है, तो बोले लेबर कार्ड बनता है। हम कहे इससे क्या होगा? बोले कि अगर कार्ड बन जाएगा तो आपको 2-3 दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में 3,000 रुपये आपके खाते में आएगा। तो हम कहे ये कैसे होगा सर, ये तो ऐसा सिस्टम क्या है, और साइकिल मिलेगा आपको। हम कहे ठीक है सर, इसका चार्ज क्या है? तो बोले कि इसका चार्ज है 170 रुपये। हम बोले कि सर इस समय तो कैंप लगा है, तो कैंप पे तो फ्री होती है, तो इस बात में कहाँ से पैसा लग रहा है? तो बोले नहीं इसमें पैसा लग रहा है। हम कहे पहले आप कहाँ के हो? तो कहे बोले हमारा ये टेंडर पास है। हम कहे कहाँ के? तो कहें भदोही के। हम कहे भदोही के जिला पास है, तो यहाँ पे तो आपको जौनपुर से तो होना चाहिए, जौनपुर से यहाँ पे बात हुई होगी। तो बोले कि हाँ हुई है। तो हम कहे ठीक है, मैं अभी श्रम विभाग के आयुक्त कुलदीप सिंह से बात कर रहा हूँ। कुलदीप सिंह से अभी बात किया तो सर बोले कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। हम अभी तो मेरे से कोई आदमी मेरा नहीं गया वहाँ पे। हम कहे यहाँ तो बोल रहे हैं कि आए हैं, तो बोले कि ठीक है उन लोगों से बात कराइए। हम उन लोगों से बात कराएं कि सर लीजिए बात कर लीजिए। तो बात किए तो सर ये बोले कि मेरा टेंडर है, ऐसा है वैसा है। कौन पास कराए टेंडर?
इस किस का बात का टेंडर, इसमें कौन सा टेंडर होता है? तब बोले कि कैसे ऐसे, तो बोलेगी कि जो हमसे बोले कि एकदम आवाज़ लाउड स्पीकर करके बोले सर कि ऐसा करिए कि इन लोगों का पूरा पैसा छोड़ लीजिए, पैसा छीन लीजिए और जितना फार्म भरे हैं वो लोग यहाँ पे रख दीजिए और इन लोगों को पकड़ लीजिए। फिर हमने बोले कि तब भी मैंने बोला सर भी देख लीजिए, तब इनका इनकी जो यहाँ पे आइए, तो फिर बोले कि ये मेरा अभी मेन आदमी जो है अभी नहीं है, हमके बात कर लीजिए अपने अधिकारी से। तो कितने लोगों का जो है फार्म 170 लिया गया? अरे सर लगभग 300 लगभग हो गए।